होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का होमोलोगस सीरीज कैसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे हम, दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। देन इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला, मीथेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या, दैट इज CH4, इथेन इज C2H6, प्रोपेन इज C3H8, ब्यूटेन C4H10 एंड पेंटेन इज C5H12। इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो यहाँ पे मीथेन का एज इट इज रहेगा, दैट इज CH4, बट इथेन, इथेन में मॉलिकुलर फॉर्मूला इज C2H6, तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे होगा, दैट इज CH3CH3। मीन्स दो कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन है एंड सिक्स हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो कार्बन एंड सिक्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज प्रोपेन C3H8, तो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा, दैट इज CH3CH2CH3। ब्यूटेन दैट इज CH3CH2CH2CH3। देन द लास्ट इज द पेंटेन, दैट इज 5 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे देखिए 5 कार्बन है, डेट इज 1 2 3 4, 5 कार्बन है एंड 12 हाइड्रोजन है। सो होमोलोगस सीरीज हमें पता है कि क्या होता है, उसमें क्या होता है, सीरीज कंपाउंड के सीरीज में क्या होता है, उसका लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो सीरीज होती है एल्केन की सीरीज है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी लेंथ सिक्वेंशली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे मीथेन में एक ही कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पाँच कार्बन है, तो यहाँ पे सिक्वेंशली लेंथ इंक्रीज हो रही है, कार्बन की लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, बिकॉज ये एल्केन्स है, तो एल्केन्स में हमें पता है सिंगल बॉन्ड होता है, सो यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है हर एक कार्बन के बीच में। सो दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स।